नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में और मैं करिश्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की। तो खनन विभाग में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में रांची ईडी कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। कार्यालय के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सीएम से पूछताछ को लेकर राज्य में सियासी हलचल है। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है और सबकी नजर ईडी कार्यालय पर है। और आज का दिन झारखंड के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज खनन विभाग मामले में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में रांची ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। कार्यालय के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है और सबकी नजर ईडी कार्यालय पर है। और आपको बताते चले कि सीएम से ईडी की पूछताछ को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। तो सीएम आवास पर मंत्री विधायकों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और अब तक की पूछताछ में क्या अहम बातें सामने निकल कर आई है, क्योंकि आप ईडी कार्यालय के बाहर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या ताजा अपडेट अब तक की सामने आ रही है? देखिए, ईडी ने सीएम को समन जारी किया था और 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। और आज 17 नवंबर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर में आज पहुंचे हुए हैं और ईडी इनसे सवाल कर रही है। ईडी उन सवालों का जवाब जानना चाह रही है कि जो पिछले दिनों जब ईडी ने रेड किया था और पंकज मिश्रा को, प्रेम प्रकाश को और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई है, तो उन बातों का जवाब जानने के लिए ईडी को मुख्यमंत्री से पूछताछ करना था। इसलिए मुख्यमंत्री को ईडी ने 1 नवंबर को समन जारी किया था और उसके बाद फिर कहा जाए तो ईडी ने फिर सेकंड समन जारी किया था और 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। ईडी के पास 200 से ज़्यादा सवालों का लिस्ट है। उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री से ईडी जानना चाहती है कि जिस तरह साहेबगंज में अवैध खनन हुआ, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थी या नहीं थी। जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, जिन पर कई कहा जाए तो इलीगल आरोप लगे हैं, तो क्या उनके गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थी या नहीं थी, या मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी थी? और जो पंकज मिश्रा के घर से जो पासबुक मिले थे, जो दस्तावेज मिले थे, उसमें बातें सामने आई थी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है। और भी जिन लोगों के घर पर ईडी का रेड हुआ था, उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली थी। प्रेम प्रकाश के घर पर जो ईडी का रेड हुआ था और उसके घर से जो 2 AK-47 बरामद हुए थे, उसमें जो जानकारी मिली थी कि दोनों बॉडीगार्ड सीएम हाउस में तैनात थे और उनकी तैनाती मौखिक तौर पर प्रेम प्रकाश के घर पर हुई थी। तो कई सवाल है और कई सवालों का जवाब ईडी जानना चाहती है और ईडी उन्हीं सवालों का जवाब के लिए आज मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। अभी हम ईडी कार्यालय के पास मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि इसी ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है और ईडी हेडक्वार्टर से 3 टॉप ऑफिसर रांची पहुँचे हुए हैं और तो 3 टॉप ऑफिसर आज हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो ये हेमंत सोरेन के आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। रांची पुलिस के सैकड़ों जवान यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ के अलावा और जिन जगहों पर रांची पुलिस को अंदेशा व्यक्त का कि विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है, उन जगहों पर भी रांची पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन सबकी निगाह है हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन जो ईडी दफ्तर पहुँचे हुए हैं, तो ईडी उनसे कौन सा सवाल कर रही है अब तक, इस बात की जानकारी
नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि ईडी दफ्तर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब निकलते हैं, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री को ईडी यहाँ पर छोड़ सकती है और मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा सीएम हाउस में जाएंगे और सीएम हाउस में यूपीए विधायक दलों की बैठक है, उस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल कहा जाए तो ईडी दफ्तर में अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल सोहन, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ईडी की सीएम से पूछताछ को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में बात करें क्योंकि सीएम आवास पर मंत्री का विधायकों का जमावड़ा तो लगा है, साथ ही रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। सोहन आप बने रहे हमारे साथ।